हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं सादियाबाद और बहरियाबाद मार्ग पे। रेलवे लाइन है जो कि सादात में है। सादात स्टेशन से उत्तरी छोर पे जो है यह अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया गया है और इस अंडरग्राउंड ब्रिज में जो है पानी भरा हुआ है। तो इस रास्ते से हमें जाना था, लेकिन इतना पानी ज़्यादा भरा हुआ है कि सोच रहे हैं कैसे जाएँगे। और ये देखिए कि जो इंजीनियर इसे बनाया है वो किस हिसाब से बनाए हैं। पहले के जो बुजुर्ग थे वो अंधविश्वास में थे, तो वो अंधविश्वास में अनपढ़ थे। वो किसी की अगर बात सुनते थे तो उनको पता नहीं था अगर अगला कुछ भी कह दे, अगर चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी कुछ कह दे, तो उसके बातों को लोग फॉलो करते थे। लेकिन आज के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अंधविश्वास में चल रहे हैं। और अंधविश्वास का कारण ये कि जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं वो बता दिए कि नीचे अगर अंडरग्राउंड ब्रिज बनाएंगे तो इस ब्रिज सक्सेस है, तो उसी पे जो है विश्वास करके अंडरग्राउंड ब्रिज पास हो गया और सभी रेलवे फाटक हटा करके अंडरग्राउंड ब्रिज बना दिया गया। और यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी जो है बह के उसी में जाता है। और यह पानी जो है कितने दिन तक टिका रहता है हम यहीं के लोगों से जानेंगे, क्योंकि इनका डेली का आना जाना इसी रोड से है। चाचा जी, आप इसी में से आए हैं? हाँ सर जी, देखिए अब मैं इसका हाल बता रहा हूँ। मेरा नाम रामजीत भारद्वाज है और इस ये बनाने से सरकार से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पब्लिक हमेशा परेशान होती है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, सब लोग परेशान होते हैं, हमेशा लोग परेशान होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, सब लोग परेशान होते हैं, हम भी परेशान हैं। अगर ये रास्ता सही होता तो मैं साइकिल नीचे से लेके चला जाता। और सबसे बड़ी बात है सरकार जो भी है लेकिन पब्लिक को अच्छी व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी पानी का रिसाव अंदर से नदी के अंदर से पानी का रिसाव आ रहा है और पानी का जो है निराकरण जो है वो सही नहीं हो रहा है। जैसे सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, लेकिन सरकार को ये भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि पानी का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जनता को परेशान ना हो। हम भी ड्राइवर हैं, हम भी गाड़ी वाले हैं, आज साइकिल से चल रहे हैं, कल मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी का कारण ये हमारी शासन प्रशासन जो व्यवस्था है, हमारी सरकारें हैं, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन आम पब्लिक परेशान है, हम भी पब्लिक हैं। इसलिए हम मीडिया को ये बता रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है इसको सुदृढ़ किया जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था किया जाए कि नहीं जनता परेशान ना हो। अगर इसमें पानी नहीं रहा होता तो जो लोग रेलवे लाइन पार करके आ रहे हैं वो जो है इसी पुल के सहारे आते हैं। हाँ, हो सकता है मित्र हमारे मीडिया वाले, चाहे घटना भी घट सकती है, हम साइकिल से जा रहे हैं, लाइन आ रही है, घटना भी घट सकती है। तो इसका केबिन यहाँ से हटाने के क्या तात्पर्य है? सर, आप भी जानते होंगे ये अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया गया है इसलिए कि रेलवे लाइन पे कोई न चढ़ के जाए, ताकि जान का उसका जोखिम ना हो। कोई घटना इसमें हो चुकी है। अच्छा, कहाँ? ऊपर से कैसे घटी है? वैसे मतलब इसमें पानी भरा रहा है, पानी इसमें भरा है, ऊपर से मोटरसाइकिल दगा रहे से सब। इसके बाद उसी अचानक ट्रेन आ गई। अच्छा, अभी थे? जी 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 सर, हम भी मौके पर थे। यहाँ अंडरग्राउंड में जाने के लिए बहुत परेशानियाँ थी, तो कुछ लोग जो है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो लोग रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे। तब तक इंजन रेल का इंजन को एक ही डब्बा लिया था, एक ही डब्बा था, वो ऐसा चलाने वाला था बेचारे कि एक बैग ब्रेक मारा और आके 10 मीटर की दूरी पर ट्रेन रुक गई। इसलिए करीब करीब कुछ नहीं तो 5-6 आदमियों को जान बच गया। तो जो आप जो अंदर ग्राउंड बनाए इससे कोई फायदा है? दो दिन पहले गाड़ी कट गई थी जी? उसके दो दिन पहले दो गाड़ी कट गई थी। अच्छा, हाँ, एक सुपर स्प्लेंडर। दो दिन पहले इसमें ज्यादा पानी था क्या? अरे नहीं, इसे 10 दिन पहले तो इसमें मतलब हाथी इसमें डूब जाती। अच्छा, हाँ, इतना पानी था। पिछले सप्ताह सर जी, पिछले सप्ताह जो भारी बारिश हुई थी, इतना पानी था कि कोई जा नहीं सकता। ट्रक टोजन के निकालने पड़ता है इसमें, तब का हमेशा इसमें कोई ना कोई गाड़ी इसमें, मान चलिए कि 2 महीना के अंदर कम से कम 50 गाड़ी इसमें से हम खींच के निकाले हैं ट्रैक्टर से। बताइए, देख लीजिए ये व्यवस्था है, और सरकार की व्यवस्था या इंजीनियर जो भी बनाए हैं ये सिस्टम बनाए हैं कि यहाँ के लोगों के लिए जो है सुविधा होगा रेलवे लाइन पार करने में। लेकिन इस अंडरग्राउंड का बनाने से
कोई फायदा नहीं यहाँ के पब्लिक का, बल्कि इससे और जो है दुर्घटनाएं घट रही है। इसमें लोग जाने से कतराते हैं क्योंकि इसमें पानी इतना भरा रहता है कि अगर उसमें से जाएंगे तो गिर जाएंगे, डूब जाएंगे या फिर चोटिल हो जाएंगे। और इससे बचने के लिए साइड से अगर रेलवे क्रॉसिंग रेलवे लाइन पार करके जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेन से कई लोग जो है आए दिन हर 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है कट जा रहे हैं लोग, ऐसा पता चला है। अभी इसी पानी में से आए हैं क्या है। क्या ऐसा यहाँ पे डर नहीं लग रहा था? बहुत डर लग रहा था, रात को तो आने में भी डर लग रहा था। रात में आप पैदल आने में का चार चक्का सा डर लगेगी आप जो है ना उस पार से आई है क्या? डर ना गई नहीं है ना, आप पैदल है ना? हाँ, तो इसमें से तो पानी भरा है, इसमें से आई नहीं है? नहीं, एक दिन में आया नहीं तो इससे गई नहीं। अच्छा, मारे डर आज जो ना से पुल रोले लेनिया डाक ना। हाँ, तो रेलवे लेनिया डाकत का ट्रेन आ जी तो बड़ा समस्या बा। तो क्या करे के पनिया में डूबा जा जा? देख लीजिए मतलब आप लोग के जो बनाए हैं इस व्यवस्था को उससे लोग जो है किसी को जो है फायदा नहीं है, सभी लोग जो है परेशान है और अपनी जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं। और बल्कि ये नहीं बना होता तो इतना जोखिम जान नहीं रहती, सब लोग पहले से दूसरा रास्ता चूज कर लेते। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।